व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द होमस्टेड। व्हाट्सअप सोशल नेटवर्किंग साइट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन व्हाट्सअप का इन्वेंट कैसे हुआ ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं व्हाट्सअप के इन्वेंशन के बारे में और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। renderforest.com व्हाट्सएप को 2009 में ब्राइन एक्टन और जान कोम ने मिलकर बनाया था। वो दोनों पहले याहू कंपनी में काम करते थे, लेकिन सितंबर 2007 में वो दोनों याहू कंपनी से नौकरी छोड़कर दक्षिण अमेरिका चले गए और उसी समय वे फेसबुक में नौकरी पाने के लिए गए, लेकिन उन्हें वहां नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्हें याहू से उसकी सेविंग के $400,000 मिले और फिर कोम ने एक आईफोन के लिए एक अपना ऐप बनाने की सोची और इसका नाम व्हाट्सएप रखा, क्योंकि ये सुनने में व्हाट्सएप जैसा था। फरवरी 24, 2009 में उन्होंने कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप इंक नाम से एक कंपनी बनाई और लेकिन व्हाट्सएप का शुरुआती वर्जन ज़्यादा बढ़िया नहीं था और वो बार बार क्रैश हो जाता था और हैंग भी करता था। इसलिए जॉन कुम को लगा कि ये ऐप ज़्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन इसके बाद वो उन्हें इस ऐप को जारी रखा। जून 2009 में आईफोन में पुश नोटिफिकेशन का फीचर आया और इसी के साथ ही व्हाट्सएप में भी एक फीचर आया जिससे उसके यूजर्स को नोटिफिकेशन मिले जब उसका कोई फ्रेंड्स अपना स्टेटस बदलता है, और इसके चलते अचानक से ही व्हाट्सएप के 2,50,000 यूजर बन गए। अक्टूबर 2009 में ब्राइन एक्टिन ने अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप कंपनी में पैसे लगाने के लिए राजी कर लिया और उनके 5 दोस्तों ने $2,50,000 सीड फंड में इन्वेस्ट कर दिए और इसके बाद व्हाट्सएप को दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए बनाने की सोची और दूसरे प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप वर्जन को बनाने के लिए कोम ने अपने कुछ दोस्तों को हायर किया। दिसंबर 2009 में व्हाट्सएप को फ्री के बजाय पेड कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा बदलीकरण था इसके बढ़ते हुए यूजर, क्योंकि व्हाट्सएप के यूजर्स बहुत ही जल्दी बढ़ रहे थे और टेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ते थे, इसके लिए व्हाट्सएप को पेड कर दिया गया। अप्रैल 2011 में सिकोई कैपिटल सिर्फ एक ही वेंचर इन्वेस्टर था जिसने लगभग $8 मिलियन कंपनी में दिए थे। फरवरी 2013 में व्हाट्सएप के 200 मिलियन एक्टिव यूजर थे और 50 मेंबर ही इसमें काम करते थे। इसके बाद सिकोई ने 50 मिलियन और इन्वेस्ट किए इसमें और दिसंबर 2013 में व्हाट्सएप ने अपने एक ब्लॉग में बताया कि उनके 400 मिलियन एक्टिव यूजर है और 22 अप्रैल 2014 में ये 500 मिलियन पहुंच गए थे। 19 फरवरी 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, जो उस समय की सबसे बड़ी डील थी, और इसमें $4 बिलियन कैश दिए गए थे और $12 बिलियन फेसबुक में शेयर दिए गए थे। बाकी के $3 बिलियन रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक के रूप में रखे गए थे। इसके बाद व्हाट्सएप को सभी के लिए फ्री कर दिया गया और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया। व्हाट्सएप के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करें तो व्हाट्सएप नो एड पॉलिसी पर काम करता है। आपने कभी व्हाट्सएप पर किसी और कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी। सोशल मीडिया पर 27% सेल्फी व्हाट्सएप के लिए खींची जाती है। व्हाट्सएप 5वीं सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप का एक यूज़र दिन में औसतन 23 बार व्हाट्सएप को खोल के देखता है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन फेसबुक से पहले गूगल ने $10 बिलियन का ऑफर दिया था। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर 100 करोड़ से भी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनमें से एक दो तो शायद आपके भी होंगे। व्हाट्सएप टीम में 55 इंजीनियर है और एक इंजीनियर 18 मिलियन यूजर को हैंडल करता है, जो पर इंजीनियर सबसे ज़्यादा है। भारत में 70 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के इन्वेंशन की वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें और नियमों का पालन करें और